बैक टू माई न्यू ब्लॉग। टुडे इज 26 जून और अभी हो रहे हैं 7:30 और अभी हम लोग का प्लान है स्विमिंग करने का। पहले देखे तो क्या सीन है, हाँ वो भी देखना होगा, और नहीं तो यहीं पे बीच ही है। देखिए बीच में चलोगे क्या यार? मैं हाथ में ये लेके तो नहीं जाऊँगा वापस। हाँ तो रख दें, हाँ वापस रखना होगा। पहले देखना होगा अगर बारिश या सिक्योरिटी अगर मना कर दिए स्विमिंग के लिए तो स्विमिंग नहीं करेंगे। बाय द वे कल हम लोग जिम के बारे में पूछे थे, अनफॉर्चुनेटली मैंने और इसने स्पोर्ट्स शूज़ लाना भूल गए तो हम लोग को एंट्री नहीं दे रहे उसमें, और स्लीपर्स नॉट अलाउड। अगर स्विमिंग में भी कुछ ऐसा केस हुआ कि कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम नहीं है तो हम लोग सीधा छोड़ के बीच चले जाएंगे। बीच में तो हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज, पर मज़ा भी बहुत आएगा। और हम लोग ने सब पता लगा लिया, टावल मिल रहा है और वो है बीच। आज शाम को उधर ही जाएंगे हम लोग और कल सुबह का भी प्लान चल रहा है उधर जाने का। सो यार क्या स्विमिंग करना है कि बीच जाना है? पहले स्विमिंग करेंगे यार, और यहाँ से दिख भी रहा है बीच में ज़्यादा लोग नहीं है। ऐसे ही सब प्लान चौपट हो रहा है, ये प्लान करते हैं। ऐसे हमारा जो मूड है और प्लान है यार, वो मतलब जो भी है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग स्विमिंग करने गए थे तो अलाउड ही नहीं किया। क्योंकि मैं तो चलो टी शर्ट खोल लूँगा, बट इसका जो ये पैंट है वो कॉटन का है, पैंट मैं खोलूँगा तो फिर सब, हाँ तो भाग जाएंगे सब कोई, तो इसलिए कुछ हो नहीं रहा अभी। देख रहे कुछ जुगाड़ लगाते हैं कि फोर्थ फ्लोर में और एक है तो चुपचाप उसमें घुस जाएंगे, नहीं तो फिर देखना होगा यार होटल जाके क्या बीच ही चले जाएंगे फिर। तो देखते हैं, फाइनली हम लोग को मिल गया स्विमिंग करने। मैंने अपने भाई से देखा कि उन लोगों को डरा दिया, बोला देना पड़ेगा एंड ऑफ द डिसीजन, पानी डुबाने का मन कर रहा है। इसलिए तो स्विमिंग आती नहीं मुझे, इतना मेहनत से इसे सिखाना पड़ा, मैं क्या बोलूँ। बात सही है भाई, शोल्डर देख रहे हो मेरा, देख मेरा ट्रैप्स है, मेरा टैनिंग है, देख रहे हैं लग रहा है पानी स्टोर हो गया। देख मेरा भी पानी स्टोर है भाई, इसका तो ऐप्स है, मेरा भी ये उम्र में ऐप्स है। ठीक है अब हम लोग नाश्ता करेंगे, अब मैच शुरू कर रहा हूँ। ये नया चेहरा आपको दिख रहा है ना, ये देखिए बंदर को दिख रहे हैं आपको, ये इसको एकदम स्विमिंग आता नहीं, इतना मेहनत किया मैंने इसको सिखाने में। इस होटल में आ गए हैं हम लोग और अभी हम लोग शावर लेंगे, उसके बाद शायद से आज ब्रेकफास्ट मिस्ड होना ही है क्योंकि हम लोग बहुत लेट कर दिए हैं, और शायद से हम लोग यहाँ पे सुखाएंगे अपना गीला कपड़ा। क्या बोलता है, सुखा दे यहाँ ऐसे रख दें? अरे पर वो साफ करने वाला आएगा तो नहीं है, क्यों है? देखते हैं यार, कुछ ना कुछ तो करना होगा। सेट ये मेरा आउटफिट फुल दिखाते तो ये, और नीचे एक शॉर्ट्स है, और भाई ने भी ग्रीन पहना है और नीचे ब्लैक है, नीचे वाइट, फुल पैंट पहना है यार मैंने, इसको बोला हाफ पैंट पसंद नहीं पहना और लाया भी नहीं है। सो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और अभी 9:26 हो रहा है, आई गेस ब्रेकफास्ट बंद हो जाएगा। पर क्या लगता है ब्रेकफास्ट बंद होगा? नहीं, अगर नहीं होगा तो कुछ और बाहर से खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यार ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या क्या है। ब्रेकफास्ट में अपने पास इडली है, सांभर वड़ा, वाटरमेलन जूस, भाई ने लिया है पोहा, सेम ही लिया है, सब सेम लिया, बस पोहा डाल दिया, बस उधर पोहा है बॉइल्ड एग है तो मैंने ये वाला प्रेफर ज़्यादा। सो अभी हमने बस में रात को वैसा ही था, किसको रहा था, फील नहीं आ रहा, नहीं देखना होगा। सो अभी हम लोग बस में बैठे हुए और यहाँ से हम लोग फोर्ट जा रहे, फोर्ट अगोड़ा, फोर्ट अगोड़ा चर्च, चर्च एंड भाई गोवा वाली भाई बात है, देखते उसके बाद कहाँ जाएंगे, कुछ बढ़िया मन हुआ तो। जिस तरह से हम लोग जाते हैं वहीं से वापस ले आएंगे, स्टूडियो से उतर के आ जाएंगे वापस। एक्साइटेड घंटा कुछ ऐसा नज़ारा ही नहीं जो एक्साइटेड, बीच रहता तब एक्साइटेड। देखो एज अ फ्रेंड मैं आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हो तो एक टोपी कैरी कर लो,
हम लोग हर दिन ऐसे टोपी हमको हम लोग को पहनाया यार आज ही हमने। हाँ सनस्क्रीन में लगा के तो आप लोग समझ जाएंगे ठीक है। हेलो, और दूसरा चीज़ कि सनस्क्रीन भी लगा के आना क्योंकि धूप बहुत चट रहा है वहाँ पे, चुप रहा है, लग रहा है कोई नीडल घूम रहा है। अंदर जाके देखते क्या होता है। वो वास्को डी गामा सिटी, बड़े बड़े जहाज आपको दिखाई दे रहे हैं, समुद्र का पानी है, देखो लहरें देखिए। ये गोवा का गवर्नर आउट है, पी एस श्रीधरन पिल्ले, इस समय गोवा के गवर्नर है। ये पंजी सिटी मीरामार बीच, ये सेंट लॉरेंस चैपल, ये नीचे डायमंड मर्चेंट किंग का घर है, जिमी गजदार, हसीना मान जाएगी पिक्चर का शूटिंग हुआ था यहाँ पे इसके लिए। और इसके नीचे ना ये जो घर है, नीचे यहाँ पे जेल है, अगवादा जेल, कैदियों को रखा जाता था। पानी के अंदर? हाँ पानी के अंदर है, समुन्द्र के पास है। कुछ समझ में आ रहा है मुझे भी और कुछ व्यू भी नहीं है। बस बस फोर्ट में एक बीचों बीच ये रख दिया, खाली फोटो लो। और समुंदर है उधर, समुंदर के पास ये नहीं समझ, यहाँ लोग आते कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। नहीं मेरे को लगता एक व्यू चाहिए, मैं जेल है भाई, जेल में देखने आ रहे हैं आज। मैं बोल सकता हूँ कि मैं जेल गया हुआ हूँ, इससे चाहे क्राइम जाके, इससे चाहे कोई क्राइम करके जेल चले तो एंजॉय ना। पर तो पानी के नीचे नहीं रह सकता था ना, कहाँ पानी के अंदर ले जाता। नहीं यहाँ पे बोलता भी तो है, पोर्टुगीज का है, पोर्टुगीज स्पेलिंग पूछो तो इससे पता। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं एकदम ऊपर जा रहे हैं, और वहाँ से पानी का ही व्यू है और कुछ नहीं है, मतलब पूरा पंजिम सिटी ना, पंजिम सिटी दिखेगा वहाँ से, पानी पानी दिखेगा। क्या है यहाँ पे धूप भी है, हवा चल रहा है, थोड़ा सा रिलैक्स है। तो पानी वाले लाइस बहुत ज़्यादा ही गर्मी है यार, सही में टोपी पहन के आना चाहिए। कोई नहीं, अभी आपको मैं दो तीन व्यू दिखा, पानी वाला है, बाकी गाइड वाला दे रहा है, मैंने ताजमहल वाले में दिया था, आप लोग बोर हो गए थे तो ज़्यादा गाइड नहीं वाले ना। ये वाला स्नाइपर के लिए था, यहाँ से स्नाइप करते थे। और ये समुंदर का व्यू भी आ गया है, हाँ जहाँ से AWM चलाते वही वाला ही है, यहाँ पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे तो हम लोग भी खिंचवा लेते हैं। जो फोर्ट अगोड़ा है, अगोड़ा जो भी, ये बेसिकली एक प्रिजन है और हम लोग उधर बीचों बीच बैठे हुए हैं। अगर जूम करके दिखाओ तो ये प्रिजन सब बंद हो गए, एक तो खुला है बस दिखाने के लिए। बट मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे अगर कैदी थे तो यहाँ पे तो हवा हवा सब सही चल रहा, तो उनके लिए कुछ दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए होगी। क्यों? कोई टेंशन, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से हवा चल रहा है, बात बात करो, नेक्स्ट क्रिम, नेक्स्ट क्या क्राइम करना है उसके बारे में टॉक करो या कुछ करना है करो। अभी ये वाला वाटर टैंक है, मौसम भी काफ़ी सही है, उस तरफ पूरा पानी है तो वो लोग भाग भी नहीं सकते थे, ये एक डिसएडवांटेज है उनके पास। बाकी हम लोग अभी जाएंगे बाहर चाय पीने, उसके बाद जाएंगे चर्च जहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज स्कूल या जो भी उसका जो नाम है वो एक बार वापस कन्फर्म करके आपको बताना होगा, उनकी बॉडी है वहाँ पर है। सभी हम लोग टोपी शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि इसको बाल का थोड़ा वो हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रहा है। नहीं ये सब टोपी तो कॉमन है, ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे को भी, ये वाला अच्छा लग रहा है, पर देखते हैं यार इसका और बड़ा साइज है, ये यही साइज होता है इसमें, देखते हैं। मुझे तो उतना टोपी का जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बाल मैंने सेट करके आया, इसका छोटा है तो घूम जा रहा है और हवा यहाँ पे बहुत तेज चल रही है। ये वाला सूट कर रहा है, ये वाला ले पक्का, पक्का पक्का राइट में नहीं है ये कुछ, जिसको हम टोपी पहनाते थे आज हम लोग पहनने वाले टोपी पहन। और टोपी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसके ऊपर ज़्यादा सूट कर रहा है। मैं पागल लग रहा हूँ, तेरे ऊपर ही सूट कर रहा है। Thank you.
गई थी बस में, मैं और ये दोनों ही सो गए थे। और अभी हमारे पास में बहुत फेमस चर्च है, नाम मैं वापस भूल गया हूँ, पर ये बहुत हेरिटेज लग रहा है क्योंकि ये पोर्टुगीज ने बनाया हुआ है। तो ये ऐसा टाइप का दिख रहा है। अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर फोन फोटो लेना अलाउड नहीं है और ना वीडियो लेना अलाउड है, बाहर बाहर से जो लेना है लेंगे। तो भी होना खाली, हम लोग बाहर बाहर से घूम के निकल गए हैं। मतलब क्या है, व्यू अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यू है, अंदर जाने का हिम्मत नहीं क्योंकि बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है। एंड सुबह सुबह स्विमिंग कर लिए थे तो थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पर यहाँ का इमर्स से व्यू बहुत बढ़िया है, काफ़ी एस्थेटिक है, फ़ोटोज़ भी काफ़ी सही आ रहे हैं। और मैंने ये एक हैट ले ली थी उधर से, तो इसके साथ भी एक दो फोटो आएगा जो कि इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा मैं, तो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने प्लान बन गया कि हम लोग अंदर जा ही रहे क्योंकि बाहर कोई मतलब नहीं है, शॉपिंग वाला कोई एरिया है नहीं आसपास। सो यार अभी अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अगर काइंड ऑफ यहाँ से अगर दिखाऊँ तो चलेगा? चलेगा यहाँ से दिखाने से? सब तो ले रहे, सब ले रहे, एक बार मैं भी दिखा देता हूँ। क्या अंदर तो गए, तो पहला वाला जो एरिया था वो तो चर्च वाला नॉर्मल था, बाकी देखो मैं आपको जो रूम बता रहा हूँ ना ये वाला, इसके अंदर एक बॉक्स है जिसमें जेवियर्स की बॉडी रखी हुई है, मतलब प्रॉपर उसका स्कल दिख रहा है भाई सही में मेरा तो फट गया था यार। बोलते हैं कि अब 21 नवंबर 2024 को वापस इसका बॉडी नीचे लाया जाएगा, हर 10 साल में नीचे लाया जाता है। सो या 24 या 21 नवंबर को नीचे आएगा, देखते हैं। लोग सब कुछ कर करा के आ गए हैं, अब हम लोग लास्ट में जा रहे हैं मीरामार बीच। और मीरामार बीच यहाँ से अप्रॉक्स 2.5 या 3 किलोमीटर के आसपास ही है, वहाँ पे फोटो सेशन होगा, उसके बाद वापस हम लोग को होटल जाना है। आज हम लोग का रात को पार्टी है, तो उसमें हम लोग को अवार्ड मिलेगा जो भी हम लोग ने अचीव किया है, हम लोग ने नहीं मतलब पापा ने अचीव किया है जो। सो यार बेसिकली हम लोग अभी जाएंगे, हम लोग मीरामार बीच पे, यहाँ पे हम लोग को हाफ एन आवर का परमिशन है क्योंकि बस वहाँ पे अलाउड नहीं है रुकना, तो हम लोग ऐसे ही गो थ्रू करके आ जाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम बहुत गंदा हो रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश थड़थड़ा के होगी एकदम अचानक से, थड़रा दी बारिश। और हम लोग पूरा भीग जाएंगे, मेरे जूते सादे हैं देख लीजिए, ये बिफोर का दिख रहे हैं, मेरी पैंट सादी है, जूता खुली है। देखते हैं यहाँ गंगा में डुबकी मारते हैं, जैसे जैसे बीच के मतलब सी के पास जा रहे हैं तो वो आवाज़ जो है काफ़ी माइंड फ्रेश कर रहा है। यार मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा है, मेरी आँख जस्टिस नहीं कर रही है, ये सब चीज़ हम लोग उधर ही जा रहे हैं। हार के हम लोग वापस बस में बैठ गए, कपड़ों की हालत पूरी बेकार हो गई है, पूरा बारिश से भीग चुके हम लोग। होटल के रूम में जाते के साथ मैं तो घुसा हूँ नहाने, उसके बाद देखते हैं पार्टी वार्टी है वो भी अटेंड करना है। सो गाइस हम लोग वापस होटल में आ गए थे, रूम में आ गए थे, क्योंकि एक तो हम लोग बारिश में भीग गए थे। सो खाना वाले सेक्शन में गए, खाना वाना खाए। क्या था खाने में तेरे नॉनवेज में? कुछ मछली वछली कुछ खाया है इसमें, और मैंने खाया पनीर और नान, जो कि नान पूरा च्युइंगम जैसा इसको करना पड़ा, पर कोई दिक्कत नहीं है, खा भूख बहुत लगी हुई थी। उसके बाद आके मैं सो गया, वही ड्रेस में सोया हुआ। अभी 6 बजे चालू है ना, 6 बजे है ना, 6 बजे चालू है वो, कुछ है पार्टी वार्टी है, अवार्ड फंक्शन है, वो अवार्ड लेंगे, उसके बाद वापस आके सो जाएंगे, कुछ प्लान है नहीं, और कल सुबह का फ्लाइट है तो स्विमिंग अगर कल होगा तो जाएंगे वरना। सो वी आर रेडी फॉर गाला पार्टी। बेसिकली इसमें हम लोग को अवार्ड मिलता है जो भी हम लोग फेविकॉल बेचे हैं, तो कौन सबसे ज़्यादा बेचा है या जो भी किया है उस हिसाब से अवार्ड मिलता है। सो ये मेरा आउटफिट है, ब्लैक, ऑल ब्लैक, इसका है वाइट और नेवी ब्लू। सो या कुछ ऐसा टाइप का आउटफिट है हम दोनों का। नीचे क्या क्या होगा कुछ आइडिया है? बस मुझे रूम नंबर 1328 का मिल गया। 1328 यू नो, यू नो।
सो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, कुछ खाना पीना करेंगे, अवार्ड लेंगे, अवार्ड का वीडियो, अगर ये अगर अवार्ड का वीडियो बनाया तब आएगा, वरना नहीं आएगा। और ये अगर मेरा बनाएगा तो मेरा आएगा, वरना नहीं आएगा। देखते कौन किसका पहले आएगा तो वो बना लेगा, वरना नहीं बनाएगा। अल्फाबेट वाइज होगा ना? नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं। और नीचे भूख लग रही है मुझे, देखते हैं यार कुछ बढ़िया। हाईटी तो अभी बंद हो गया होगा, और मैं पूरा करण जौहर वाइब्स दे रहा हूँ। अगर मैं चश्मा हटा लूँगा तो बॉडीगार्ड लगूँगा, तो इसीलिए ना पहले से ही चश्मा लगा लिया। ये बंदा ये वीडियो कम से कम 4 से 5 बार देख चुका है, और शूट मैंने किया है। अरे नहीं, ये जो तेल लगा है, बाप रे, बोल रहा कि तुम तो मेरे से ज्यादा लड़की लोग पटा लोगी। अच्छा ला? नहीं नहीं वो नहीं, अभी शूट रख के नीचे चल के अभी मैंने इसको बोला कि 2-3 फोटो मेरा भी ले लेने के लिए, इसने नहीं लिया। अरे मीन क्या हुआ कि सब देखा नहीं, बंदा लोग सामने खड़ा हो गया, उसको हटाया, फिर आवाज सुनना दिया। तो पर कोई बात नहीं, हम लोग को मिला है एक, क्या मिला, एक एक तो वो जो कैंडल होता है ना जो खुशबू मारता है, वो काजू और पिस्ता मिला। नेक्स्ट ईयर दोनों भाई एलीट करेंगे, एलीट मारेंगे हम, एलीट में और अच्छे से वॉक करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे, फॉरेन में घूम के जाएंगे। सो ये है प्लास्टिक, मतलब पॉलीथिन, जिसमें जो कैंडल की मैं बात कर रहा था वही ये कैंडल है। इसके अंदर कुछ ना कुछ डाला हुआ है, ये मैं घर जाके दिखाऊंगा। एंड सेकेंड चीज़, ये काजू जो गोवा में बहुत फेमस होते हैं, और एक ये गोवा का जो पेपर वेट होता है ये वो वाला है, और दूसरा है काजू। अच्छा दो काजू के पैकेट है, सॉरी मूंगफली नहीं है, काजू एक सॉल्टेड है और शायद एक नॉर्मल, एक नॉर्मल। तो तीन चीज़ मिला, बाकी खाली है। और देख लीजिए प्रूफ, इसीलिए बोल रहा हूँ हम लोग लाखों का माल बेच के काजू खाएंगे। सोया अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ पे खाली बस ये रखने आए थे ताकि अपने पास एक हाथ में भार ना रहे, तो यहाँ खाना खा के आते हैं।